नमस्कार दोस्तों, आरएस डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। पहले इसकी कटिंग कर लेना है। तो देखिए, इसे डायरेक्ट कपड़े पर कट करेंगे। अस्तर वाला ये ब्लाउज नहीं है, ये काटन का इस तरह से मोटा कपड़ा है। कढ़ाई इस पर पूरे कपड़े पर उसी से कढ़ाई दी गई है, तो अस्तर लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो इसे पहले कपड़े पर ही कट कर लेंगे। तो इस तरह इसको डबल फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, तैयार लंबाई इसकी 13 इंच होगी। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, नीचे तुरपाई के लिए 1 इंच लेंगे और 1/2 इंच ऊपर सिलाई के लिए। साढ़े 14 इंच पर निशान बनाएंगे। इस तरह इसको सीधा कर देना है। शोल्डर इसका 1/2 इंच, डीप गले पर ये डिजाइन है तो शोल्डर 1/2 इंच लेंगे। 5 इंच 2 पॉइंट, 1.5 इंच पर इसकी गोलाई दे देंगे। तो देखिए, अब इसे कट कर लेंगे और जो गले की कटिंग है उसे हम क्रम पे कट करेंगे। तो इस तरह देखिए, पेस्टिंग पेपर लेंगे, इसको डबल फोल्ड करके ले लेना है। गले की चौड़ाई 2.5 इंच, गहराई इसकी 10.5 इंच लेंगे। यहाँ पर देखिए, 1/2 इंच अंदर की तरफ लेते हुए इसकी जो चौड़ाई है उसे 4 इंच लेंगे और इस तरह गोलाई दे देंगे। तो गले की यहाँ से पूरी चौड़ाई 4 इंच ली है। तो इस तरह देखिए, गले को कपड़े पर अच्छे से रखकर प्रेस कर दिया है, तो ये पेस्ट हो गया है कपड़े पर। अब इस पर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बराबर से इस पर निशान बनाना है। कपड़े पर भी बराबर से निशान बना लेंगे। देखिए, गले को अच्छे से मिलाते हुए रखेंगे, इसको बराबर से मिला लेना है, तभी ये बराबर से गला बनता है। तो इस तरह सिलाई लगा दी है, अब इसे कट कर लेना है। अब देखिए, पूरे गले पर कट लगा देना है। अंदर की तरफ इस तरह से अच्छे से पलट लेना है। उसके बाद गले पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगा दी है। अब देखिए, नीचे की साइड जो कपड़ा तुरपाई के ले लिया है उसे इस तरह मोड़ कर कच्ची सिलाई लगा देंगे। बाद में जब इस पर तुरपाई लगाएंगे तो ये सिलाई निकाल देंगे। तो इस तरह देखिए, गला बन गया है। गले पर सिलाई लगा दी है, नीचे की साइड में भी सिलाई लगा दी है। अब इस पर डिजाइन बनाना है। तो इस तरह देखिए, हमने पट्टियाँ कट की कर ली हैं। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है तो हमने यहाँ पर लगभग 2 इंच की ली है, 2 इंच से थोड़ा सा कम और 1.5 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही ली है। तो देखिए, जो तैयार पट्टी है तो उसकी 1 इंच उसकी चौड़ाई रखेंगे। तो देखिए, लंबाई इसकी ज़्यादा रखनी है, पूरे गले पर डिजाइन बनानी है।
तो उसी हिसाब से कट कर लिया है। अब देखिए दोनों को इस तरह से रखेंगे, दोनों दोनों साइड से इस पर सिलाई लगाएंगे। जितनी चौड़ाई पट्टी की रखनी है उसी हिसाब से दोनों साइड में सिलाई लगाना है। तो देखिए एक साइड सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड भी लगा देंगे। तो दोनों साइड से सिलाई लगा दी है, अब इसको पलट लेना है। तो इस तरह देखिए इसको पलट लिया है। अब देखिए इस पर प्रेस कर देंगे, अच्छे से बनाते हुए प्रेस कर देना है। तो इस तरह देखिए इस पर प्रेस कर दिया है, अच्छे से पट्टी सेट हो गई है। अब देखिए इस तरह इसको लगाना है। इस तरह देखिए एक चुनर नीचे की तरफ देंगे, जब दूसरी देंगे तो दोनों एक ही साइड में इस तरह दे देना है। इसी तरह से एक एक इंच की दूरी पर दोनों चुन्नट एक ही साइड में बनाना है। इसी तरह पूरे गले पर बनाकर इसे सेट करेंगे। तो इस तरह देखिए इसे बना दिया है। अब देखिए मोतियाँ लेंगे, तो ये रेड और गोल्डन हमने ली है, तो रेड वाली थोड़ी बड़ी साइज की है, गोल्डन वाली छोटी। अब देखिए इस तरह इसको डिजाइन को बनाना है। तो देखिए जो छोटी वाली मोतियाँ लेंगे, दो मोती एक साथ में लगाएंगे। तो पहले रेड वाली लगा देंगे, उसके बाद ही दोनों मोती लगा देना है। इसी तरह से सारी डिजाइने बना लेना है। तो इस तरह देखिए पूरे डिजाइन को बनाते हुए मोतियाँ लगाकर इसे अच्छे से सेट कर दिया है। तो देखिए डिजाइन अब बन के तैयार है, बाद में इसका हम प्लेट बना देंगे। तो इस तरह मटके गले का डिजाइन बन के तैयार है। गले पर डोरी लगा देंगे। तो देखिए लटकन पर भी हमने यही दोनों मोतियाँ लगा दी है। तो डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।